सेकंड वर्क का हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर प्रॉब्लम। पार्ट वन में हमने 3 प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका, जिसमें कह रहा है कि ये किसी काम को 32 दिनों में 32 डेज में करता है, बी उसी काम को 48 डेज में करता है, सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर के उस काम को 12 डेज में करता है, इस केस में सी का इनकम क्या होगा, सी का शेयर क्या होगा जब तीनों मिलकर के काम करता है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि सी इस काम को कितने दिनों में करेगा। एस वन डे वर्क, वन डे वर्क 1/32 मींस वन डे वर्क इक्वल्स टू 1/48। ये गिवेन है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वर्क गिवेन है 1/12 डेज। ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क इक्वल्स टू 1/12। अब अगर फाइंड आउट करना है सीस वन डे वर्क इक्वल्स टू तीनों मिलकर के करता है 1/12 डेज माइनस बी और सी दोनों मिलकर के करता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग जो पार्ट बच जाएगा सी का बच जाएगा 1/32 और प्लस 1/48। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं दिस इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/32 माइनस 1/48 प्लस माइनस प्लस माइनस। एलसीएम आप ले लीजिए, ये 96 एलसीएम आ जाएगा। 12 8 जा 96 8 और माइनस 32 3 जा 96 3 48 2 जा 96। यहां से जो वैल्यू आ जाएगा आपका 3 और 2 5 8 में 5 जाएगा आपका बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 96 3 3 जा 9 3 2 जा 6 1/32। इसका यानी सी का एक दिन का वर्क हो गया 1/12। अब सी कितने दिनों में इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो सी जो कंप्लीट करेगा इस काम को 32 डेज में कंप्लीट करेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है सी का इनकम क्या होगा। इसके लिए आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू ए का है 1/32 इज टू 1/48 इज टू 1/32। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 96 एलसीएम हो जाएगा, 32 3 या 96 इज टू 2 और इज टू 3। ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, रेशियो में आ जाएगा आपका ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर के टर्म को तीनों में जो कॉमन होता है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, 3:2:3 ये आ गया वैल्यू। अब ये टोटल पार्ट कितना हो गया, टोटल जो हो गया आपका 3 और 2 5 और 3 8 ये 8 पार्ट हो गया, 8 पार्ट। अब 8 पार्ट में सी का कितना कंट्रीब्यूशन है 3 पार्ट का, इसके लिए आप करेंगे 3/8 इनटू टोटल रुपीस कितना है 1600 इनटू 1600 8 टू जा 16 3 टू जा आ जाएगा आपका 6 यानी रुपीस आपका आ जाएगा 600। ये आंसर आ जाएगा, ये जनरली क्वेश्चन गेट या एनटीपीसी में आपका जो एग्जाम होगा इसमें पूछा जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे रिमेनिंग सेक्शन में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।